वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे साथियों को श्री हरदास। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है रेलवे IRCTC, अगर आपने टिकट बुक की है और आपके पास PNR नंबर है, PNR का अगर आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस की क्या स्थिति है, आपकी टिकट अगर कंफर्म नहीं है, कंफर्म हुई या ना हुई, RAC है तो RAC कितनी पहुंची है, अगर कंफर्म नहीं है वेटिंग में थी तो वेटिंग आपकी कंफर्म हुई या नहीं या नहीं हुई, तो वो आप कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वही पहले की तरह फिर ब्राउज़र ओपन कराएंगे, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों या आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप डालेंगे PNR स्टेटस, डालने के बाद एंटर कराएंगे, और देन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ www.indianrail.gov.in, देन आपको यहाँ क्लिक करना होगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये न्यू डायलॉग बॉक्स एज ए विंडो में ओपन होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ एंटर PNR नंबर, तो दोस्तों यहाँ आपको PNR नंबर डालना होगा, और PNR नंबर हम आपको यहाँ दिखाते हैं PNR नंबर क्या है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि PNR नंबर ये आपका यहाँ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे, ये 10 डिजिट का होता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ PNR नंबर के बाद आपको हम ट्रेन की पहली स्थिति दिखा देते हैं, कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 7 फरवरी को डेट ऑफ जर्नी जो है 7 फरवरी की है, और यहाँ आपको देखेंगे ये ट्रांजैक्शन आईडी दे रखी है, और ये जो बोर्डिंग जो है आप बोर्डिंग स्टेशन दे रखा है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो टाइमिंग नहीं दे रखी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग जो है इसकी 12 जनवरी को हमने ये बुक किया है, और आने जाने के अभी टाइमिंग का शेड्यूल यहाँ दे नहीं रखा है, एनए दे रखा है, क्योंकि ये RAC में है इसलिए। और दूसरा इसका हम यहाँ आपको ये दिखाते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि RAC 13, 14, 15, 16, तो दोस्तों यहाँ ये नेम दे रखे हैं और ये एज एज दे रखी है, और इसके बाद ये RAC आपको यहाँ बुकिंग स्टेटस देख रहे हैं, और करेंट स्टेटस उस समय का ये है, और प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है इस पर बात करनी है। तो दोस्तों हम PNR नंबर को कॉपी कर चुके हैं, कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहाँ हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ न्यूमेरिक नंबर की सहायता से यहाँ टाइप कर सकते हैं, और इसके बाद है कि आप इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी कि 97+50 या माइनस भी हो सकता है, या जो भी घट बढ़ के आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वल में लिखना है कि यहाँ आएगा कितना। तो दोस्तों इन दोनों का टोटल हम कर लेंगे, टोटल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो PNR नंबर था, PNR नंबर ये शो हो रहा है, और आपकी जो दिखा रहा है ट्रेन नंबर जो है ये है, और ट्रेन नेम भी आपको दे रखी है, और 7 तारीख की बोर्डिंग डेट जो है 7 तारीख का दिखा रहा है, और 7 के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस जो था 1, 2, 3, 4 RAC 13, 14, 15, 16 ये था, और लेकिन अब जो प्रेजेंट स्टेटस यानी कि ये बुकिंग स्टेटस था, बुकिंग के टाइम पे जो स्टेटस था, और इस समय जो है करंट स्टेटस जो है दोस्तों आपको यहाँ शो हो रहा है, और ये 3, 4, 5, 6 करके जो है करंट स्टेटस यहाँ दे ही रखा है, और करंट स्टेटस में दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले जो है इसका स्टेटस जो था ये था, और अब जो है करंट स्टेटस आपका यहाँ ये शो हो रहा है ना। तो इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल फेयर यहाँ ये शो हो रहा है, इसके बाद जो है चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड, अभी चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, और अभी समय भी है, 7 तारीख का समय है, और उससे पहले हो सकता है कि ये इसी तरह से चेंजेस हो जाती हैं, और घट के हो सकता है आपकी टिकट भी कंफर्म, आपको सीट अवेलेबल हो जाए प्रॉपर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह से आप जो है सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, आपकी वेटिंग कंफर्म हुई या RAC कंफर्म हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें सीख ही गए होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोस्त प्लीज़ ग्रुप में अपने में शेयर ज़रूर अवश्य करें। धन्यवाद।